हाँ तो भैया आ गए हम टर्की में हम बनेंगे टर्की। कल मैं पहुंच गया था टर्की। ये कोई ऐसा अकेला ट्रिप नहीं है, बजट ट्रिप नहीं है, प्रॉपर फैमिली के साथ आया हूँ मैं। एंड दिल्ली से चला अबू धाबी से चला इस्तांबुल। तो नियर अबाउट कल मैं 1 बजे इस्तांबुल में पहुंच गया था। होटल में लैंड कर गई थी फ्लाइट 12 बजे पर। थोड़ा बहुत इमिग्रेशन में बहुत टाइम था एंड यहाँ से एयरपोर्ट नियर आधा घंटा है। आधा घंटा 1 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम कर लिया और सो गया। शाम को हम लोग गए थोड़ा पास में मार्केट में थोड़ा गेड़ी मारने। एंड कल पूरा दिन हमने आज का आइटम भी है हमारी मॉस्क जाना है एक जगह और और जाना है। अभी तो थोड़ा याद हुआ है, यहाँ के नाम थोड़े टिपिकल है। एड्रेस को ये बजट ट्रिप नहीं है कि आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कर लो ऐसे ऐसे नहीं कर लो। हाँ पर जितना हो सकेगा आई गिव यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन कौन सी जगह क्या देखनी है, क्या बेस्ट है एंड क्या देखने की वैल्यू है, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे देखिएगा भैया। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट प्लेस। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने नहीं आया, अभी जस्ट मैं नीचे राउंड मारने आया था। मैं फैमिली के साथ आऊँगा ब्रेकफास्ट करने पर, तब मेरे पास टाइम नहीं होगा व्लॉगिंग करने का या वीडियो बनाने का है जिससे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज़ दी प्लेस एंड वो सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे सारा डिशेस वगैरह पड़ी हुई है, ब्रेड्स पड़े हुए हैं, ब्रेड्स यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है और फ्रूट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, मतलब इट्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जाता हूँ अपने रूम में और तैयार होके आता हूँ, देन ब्रेकफास्ट करूँगा, देन हैव टू गो टू द टू मॉस्क। मैंने मैप ले लिया है रिसेप्शन से सारी तरह के मैप्स वगैरह मिल जाते हैं। इंग्लिश में मिल जाता है, स्पेनिश में मिल जाता है, जिस तरह की लैंग्वेज में मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी यू देन। मैंने कहा था कि मैप आपको मिल जाएगा रिसेप्शन से। टर्की का ये वाला पार्ट है जो एशिया में आता है, दिस साइड इज इन यूरोप। अभी मैं यहाँ पे बेसिक टास्क में आई डोंट थिंक सो ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, एक इधर है एशिया साइड से, एक इधर है एंड ऑफ इन यूरोप जो टर्की में आता है। और ये पूरा मैप है जो आपको मिल जाएगा रिसेप्शन से और आप अपना पिन पॉइंट कर सकते हो जो जो चीज़ें आपको देखनी है। और यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे छोटे छोटे डायरेक्शंस पड़े हैं। अगर आपको मैप में कोई चीज़ पसंद आ रही है और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में चाहिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, तो वो यहाँ पे है। जैसे ये आउटलेट शॉपिंग सेंटर यहाँ पे लिखा है, उसके पीछे छोटा सा मैप है, उसके बारे में लिखा है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको जाना है, जैसे और ये है द शॉपिंग प्लेस टू बी, मेट्रो सिटी का कार्ड है ये, इसके पीछे भी एक मैप है। मतलब इट्स वेरी यूजफुल कि आपको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं होटल से ही एंड आपको कोई परेशानी नहीं होती। which are the maps. City maps? Yes. So this is the map which you can get it from the reception, and everybody provides this, and with easily आप इन मैप्स के साथ घूम सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मैं बाहर आ गया हूँ, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है। एंड रात को मतलब लाइक कि इतना सही लगा, मेरे पास तो कैमरा नहीं था एंड आई वाज नॉट इन द मूड ऑफ व्लॉगिंग, और इतना अच्छा लगा देख के कि लोग इतने फ्रेंडली हैं। और यूरोप का कल्चर रियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा झलकता है, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी। चलिए जैसे ही बात में पता लगता है आपको बताएंगे। ओके, सी यू देन।